नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। जो आयोग के चेयरमैन है उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि अब बिहार लोक सेवा आयोग की जो सिविल परीक्षा होती है उसके पैटर्न में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। और ये बदलाव क्या कुछ किया गया है, चलिए विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। अब साक्षात्कार बोर्ड को साक्षात्कार में दिए गए अंकों के बारे में लिखित तौर पर जानकारी देनी होगी। जिन अभ्यर्थियों को 30% से कम या फिर 80% से ज्यादा नंबर दिए जाएंगे उस अंक को देने का कारण भी बताना होगा। यह जानकारी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों की ओर से पहली बार जवाब की आपत्ति पर 1 रुपया भी नहीं देने होंगे। वहीं अगर किसी भी प्रश्न पर दोबारा आपत्ति करते हैं तो प्रश्न के 500 रुपए देने होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोग के स्थापना दिवस पर कहा था कि जिन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं उन्हें साक्षात्कार में कम नंबर आते हैं, इससे सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। बीपीएससी 68वीं की परीक्षा पहले 12 से 15 मई तक आयोजित होनी थी। चेयरमैन ने बताया कि बहुत अभ्यर्थियों की यह परेशानी थी कि 68वीं मेंस की परीक्षा तिथि और अन्य बोर्ड की परीक्षा तिथि मैच हो रही थी, इस कारण से इसकी परीक्षा तिथि में भी बदलाव किया गया है। 12 मई 2013 को GS1 की परीक्षा होगी, इसके बाद 17 मई को GS2 की परीक्षा पहली पाली में और दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 18 मई को पहली पाली में निबंध और दूसरी पाली में ऑप्शनल विषय की परीक्षा भी ली जाएगी। बता दें कि पहले बीपीएससी 68वीं की परीक्षा 12 से लेकर 15 मई तक होनी थी। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कि 69वीं पीटी को कंबाइन परीक्षा के रूप में कराया जाएगा। इसके तहत बिहार पुलिस एवं प्रशासनिक सेवा के साथ साथ आयोग के स्तर पर अलग अलग ली जाने वाली परीक्षाओं को भी एकमात्र पीटी के तौर पर लिया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों में रिक्त पदों की संख्या मांगी गई है। इससे बाकी परीक्षाओं के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। कैलेंडर के अनुसार 69वीं बीपीएससी परीक्षा सितंबर 2023 में संभावित है। बीपीएससी के चेयरमैन ने इस बात की भी घोषणा की कि बदलाव के तहत निबंध के अंकों के आधार पर टाई ब्रेक होगा, पहले यह ऑप्शनल विषय पर होता था। तो बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। और जिस तरीके से पहले साक्षात्कार होता था तो ये सवाल उठ जाता था कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो इंटरव्यू में कैसे कम मार्क्स आ गया। इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने सवाल उठाया था कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है और अब इसी मामले पर पहल की गई है। और बताया जा रहा है कि साक्षात्कार में अगर 30% से ज़्यादा अंक आ गए और 80% से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो उसको लिखित तौर पे देना होगा, उसका कारण भी बताना होगा। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं, आप कह सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, और इसकी जानकारी आयोग के जो चेयरमैन हैं उन्होंने दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।